आज का हमारा टॉपिक है आइंस। आइंस क्या होते हैं, आइंस की कितनी अकसाम होती हैं, कैसे आइंस बनते हैं, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। तो आइन इज अ स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आइन वो चीज़ होती है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जो भी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम आयन कहते हैं। आयन्स की दो इसकी टाइप्स होती हैं। एक वो आयन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन आयन्स को हम केटाइन्स कहते हैं, और एक वो आयन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन आयन्स को हम एनायन्स कहते हैं। आगे हमने इनका थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करनी है। केटाइन्स जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, व्हेन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर केटाइन्स की फॉर्मेशन होती है, केटाइन्स बनते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं सोडियम एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज आ गया, और मैग्नीशियम एटम ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज है। कि एनायंस कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर एनायंस बनते हैं। जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्लोराइड आयन बन गया, ये एनायन बन गया। केटाइंस में कैरी पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री चार्ज। केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव टू भी हो सकता है, पॉजिटिव थ्री भी हो सकता है। कितना चार्ज होगा डिपेंड करता है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। जितने इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहां पर देखें सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज है। मैग्नीशियम एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज है। इनाइंस के ऊपर भी नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री चार्ज हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जैसे ये क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसके ऊपर नेगेटिव वन चार्ज आ गया। इसी तरह ये ऑक्सीजन एटम है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव टू चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज जो होता है एनायंस के ऊपर उसका इनसार एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस बात पर होता है। केटाइंस के बढ़ने का जो अमल होता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब भी आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, इसलिए केटाइंस की जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एनायंस जब बनते हैं, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ एनायंस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनायंस के बढ़ने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साइज ऑफ केटाइंस ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। केटाइंस का जो साइज होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम, जिस एटम से वो बनता है उससे छोटा होता है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं सोडियम एटम का साइज 186 पिकोमीटर है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम आयन बनता है, उसका साइज 95 पिकोमीटर रह जाता है। केटाइंस का साइज इसलिए छोटा हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द साइज ऑफ केटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो न्यूक्लियस की बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, वो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनायंस का साइज जो होता है वो केटाइंस का साइज जो होता है वो कम हो जाता है। एनायंस दे आर ऑलवेज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। जैसे जी आप देख सकते हैं क्लोरीन एटम का जो साइज है वो 99 पिकोमीटर है, पिकोमीटर, और क्लोराइड आयन जो है वो 181 पिकोमीटर होता है। केटाइंस का जो बढ़ने का जो प्रोसेस है ये इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है।
तो केटाइंस का जो बढ़ने का बल, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो एनायंस के बढ़ने का जो प्रोसेस है ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। बार दफा ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा जो एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम रेडिकल कहते हैं। और केटायनिक रेडिकल्स, केटायनिक रेडिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो केटायनिक, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको एनायनिक रेडिकल्स कहते हैं। और एनायनिक रेडिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, दे आर मोर मोस्ट अबंडेंट रेडिकल्स। इनके मुकाबले में, केटायनिक रेडिकल्स के मुकाबले में एनायनिक रेडिकल्स हैं वो ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन। जैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तो वो आयन बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही व्हेन मॉलिक्यूल लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो फिर हम उसको मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस की फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, एक केटायनिक और एक एनायनिक। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ये ज्यादा पाए जाते हैं, दे आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक के मुकाबले में जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस की जो फॉर्मेशन है कि कैसे ये मॉलिक्यूलर आयंस, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं, जब आप गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम अल्फा पार्टिकल या एक्सरेज इनको पास करते हैं तो फिर वो मॉलिक्यूलर आयन। जैसे ये आप देख सकते हैं ये मीथेन गैस है, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो वो पास की जा रही है तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर आयंस में तब्दील हो गया है। उसके बाद इनके एप्लीकेशंस है, द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन गिव अस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें इससे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल होती है। ये हमारा आज का लेक्चर था, अभी हम आगे।